नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ओपन फॉर पर स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके साथ लेजेंड रतन टाटा के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप रतन टाटा की जीवनी को आखिर तक सुनते हैं तो आपको रतन टाटा की सफलता की कहानी के साथ साथ रतन टाटा की सफलता के नियम क्या है और रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की, यह सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। दोस्तों, इसीलिए आप रतन टाटा बायोग्राफी वाली इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना समय को गवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लाइफ में उतार चढ़ाव का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ECG में भी सीधी लाइन होने का मतलब डेथ होता है, ऐसा कहना है एक महान भारतीय बिजनेसमैन श्री रतन टाटा जी का, जिन्होंने अपने देश और देश के लोगों के हित के लिए नीति मूल्यों को जी जान से संभालते हुए टाटा ग्रुप को बड़ा किया। रतन टाटा का जन्म कब और कहां हुआ था? दोस्तों, रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के मुंबई शहर में एक पारसी परिवार में हुआ था। दोस्तों, रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा है और उनकी मां का नाम सोनू टाटा है। 1948 में जब रतन टाटा जी 10 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। इस तलाक के बाद उनके पिता नवल टाटा जी ने सिमोन डेनॉयर नाम की एक महिला से शादी की। इस दूसरी शादी से उनके पिता को एक और बेटा हुआ जिसका नाम नोवेल टाटा रखा गया। अपने माता पिता के तलाक के कारण रतन टाटा जी मानसिक रूप से काफी टूट गए थे, इसीलिए उनकी परवरिश और देखभाल की जिम्मेदारी उनकी दादी नवाजबाई टाटा जी ने ली। रतन टाटा और उनके सौतेले भाई नोवेल टाटा जी, इन दोनों ने अपनी दादी से ही परवरिश पाई है। और चूंकि रतन टाटा जी ने कम उम्र से ही दादी के पास ही रहे थे, इसीलिए उनको अपनी दादी से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। उनके लिए उनकी दादी ही उनके माता पिता बन गई थी। दोस्तों, रतन टाटा जी ने अपने 8 कक्षा तक की पढ़ाई मुंबई के कैंपेनियन स्कूल में पूरी की और उसके बाद उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में एडमिशन ले लिया। उसके बाद मुंबई से हाई स्कूल तक की पढ़ाई करने के बाद रतन टाटा जी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गए। अमेरिका जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले न्यूयॉर्क के रिवरडेल कंट्री स्कूल से 12 कक्षा तक की पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क के ही कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन ले लिया। यहाँ साल 1995 में उन्होंने आर्किटेक्चर फील्ड में डिग्री हासिल की और कुछ साल अमेरिका में बिताने के बाद सन 1962 में भारत वापस लौट आए। अब भारत वापस लौट आने के बाद के उन्होंने क्या क्या किया, ये जानने के लिए रतन टाटा की सफलता की कहानी को अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, हमारे भारत के सबसे महान बिजनेसमैन में शुमार किए जाने वाले रतन टाटा जी को आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। इसकी वजह ये है कि वे 22 साल तक भारत की सबसे बड़ी टाटा कंपनी के चेयरमैन रह चुके हैं। दरअसल साल 1991 में JRD टाटा जी ने रिटायरमेंट के बाद रतन टाटा जी ने टाटा कंपनी को चलाया था। रतन टाटा जी सन 1991 से सन 2012 तक लगातार टाटा कंपनी के चेयरमैन बने रहे थे और उसके बाद 2016 में दोबारा चेयरमैन बनकर 2017 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। अपने इस 22 साल के कार्यकाल में उन्होंने टाटा कंपनी के रेवेन्यू को 40 गुना और प्रॉफिट को 50 गुना बढ़ाया था। दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि रतन टाटा जी कितने महान बिजनेसमैन थे। आज टाटा कंपनी जिस भी मकाम पर मौजूद है उसका काफी सारा श्रेय रतन टाटा जी को जाता है, क्योंकि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने न सिर्फ अपने कंपनी का रेवेन्यू को बढ़ा दिया था बल्कि नए नए फील्ड और बिजनेस में उतर कर उन्होंने अपनी कंपनी को और भी ज्यादा बड़ा कर दिया था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाटा कंपनी के चेयरमैनशिप के दौरान रतन टाटा जी ने टेटली, जैगुआर, लैंड रोवर और कॉरस जैसी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को खरीदा था और यही चीज उन्हें भारत के सबसे सफल और कामयाब बिजनेसमैन में से एक बनाती है।
लेकिन अपने करियर में इतनी कामयाबी हासिल करने के बावजूद भी वे कभी अपने देश और देश के नागरिकों को नहीं भूले हैं, बल्कि उन्होंने भारत को हमेशा खुद अपने आप से आगे रखा है। तभी तो हमारे भारत देश पर कभी कोई मुसीबत आ जाती है, तब रतन टाटा जी सबसे पहले आगे आ जाते हैं। दोस्तों, रतन टाटा जी ने अपने देश के लिए अपनी संपत्ति से अरबों रुपए दान कर चुके हैं, और उनके इस दान करने के हेल्पिंग नेचर के वजह से आज उनको लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। इससे ये पता चलता है कि रतन टाटा जी कितने नेक दिल इंसान और कितने बड़े समाज सेवी हैं। दोस्तों, अब जानते हैं रतन टाटा की स्ट्रगल स्टोरी को पहले से आखिर तक, जो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग करेगी। दोस्तों, रतन टाटा जी ने अपने करियर को 1961 से टाटा ग्रुप के टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करना शुरू किया। टाटा के परंपरा के अनुसार 1970 तक टाटा ग्रुप्स की अलग अलग कंपनीज में काम करते रहे और 1970 को उनको मैनेजमेंट में प्रमोट किया गया। 1971 में उनको टाटा ग्रुप्स की टीवी और रेडियो बनाने वाली और घाटे में चलने वाली नेल्को कंपनी की जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपी गई, और अगले 3 सालों में रतन टाटा जी ने अपने इस कंपनी को खड़ा किया और नेको के मार्केट शेयर को 2% से 20% तक बढ़ाया। लेकिन देश में लागू हुई इमरजेंसी और उसके बाद आई आर्थिक मंदी के वजह से नेको कंपनी को बंद करना पड़ा। ये रतन टाटा जी के लाइफ में आया पहला फेलियर था। 1977 में रतन टाटा जी को टाटा ग्रुप की एक्सप्रेस मिल कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो कि बंद होने के कगार पर थी। रतन टाटा जी ने इस कंपनी को फिर से खड़ी करने के लिए मैनेजमेंट से कंपनी में 50 लाख रुपयों की इन्वेस्टमेंट करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैनेजमेंट ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसके वजह से जल्द ही यह कंपनी बंद हो गई, और यह रतन टाटा जी के जीवन का दूसरा सबसे बड़ा फेलियर था। लेकिन इससे रतन टाटा जी ने बहुत कुछ सीखा। 1981 में रतन टाटा जी को टाटा इंडस्ट्री का अध्यक्ष बनाया गया, और 1991 में रतन टाटा जी को JRD टाटा जी द्वारा टाटा कंपनी के चेयरमैन बनाया गया, जिसके वजह से टाटा कंपनी और तेजी से बढ़ने लगी। टाटा पहले से ही पैसेंजर और कमर्शियल गाड़ियों को बनाती थी, पर आम भारतीयों का कार का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा जी ने 1998 में पूरी तरह से भारत में बनी लक्जरी कार इंडिका को लॉन्च किया। टाटा का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसीलिए उन्होंने बहुत मेहनत की हुई थी, लेकिन ऑटो एनालिस ने इस कार को बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया, जिसका नतीजा टाटा इंडिका के सेल्स पर हुआ। टाटा इंडिका को मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और उसके वजह से 1 साल के अंदर ही अंदर टाटा इंडिका फ्लॉप हो गई, जिससे टाटा मोटर्स को बहुत नुकसान हुआ, जिसके बाद रतन टाटा को अपने फैसले को लेकर बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। तब कुछ करीबी लोगों और इन्वेस्टर के द्वारा रतन टाटा को इंडिका की वजह से हुए नुकसान की पूर्ति के लिए अपना कार का व्यापार किसी और को बेचने का सुझाव दिया। चूंकि कार लॉन्च करने की आइडिया खुद रतन टाटा की थी और उससे बहुत नुकसान हुआ था, इसीलिए उन्होंने यह सुझाव ठीक समझा और उन्होंने साझेदारों के साथ अपनी कार कंपनी को बेचने का प्रस्ताव फोर्ड कंपनी के पास ले गए। फोर्ड कंपनी के साथ उनके साझेदारों की मीटिंग करीब करीब 3 घंटों तक चली। फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड का रतन टाटा जी के साथ व्यवहार रुखा था, इसीलिए बातों बातों में बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी को बोला कि अगर तुम्हें कार बनानी आती नहीं थी तो तुमने इस बिजनेस में इतने पैसे क्यों डाले, और यह कंपनी खरीद कर हम तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा जी के दिल पर लगी और वो रातों रात अपने पार्टनर के साथ डील छोड़कर वापस भारत चले आए। पूरे रास्ते उस मीटिंग में हुए उस बात के बारे में सोचकर अपमानित सा महसूस कर रहे थे। उन्हें अब अपनी सफलता से बिल फोर्ड को जवाब देना था। वापस जाकर उन्होंने अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स कंपनी पर डाल दिया। सालों तक रिसर्च करी और अपनी पूरी जान लगाकर इंडिका नया वर्जन इंडिका V2 को लॉन्च किया।
कुछ ही वर्षों में शुरुआती झटके खाने के बाद रतन टाटा का कार का व्यापार अच्छी खासी लय में आगे बढ़ने लगा और बेहद मुनाफे का व्यवसाय साबित हुआ। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी अपनी जैगुआर और लैंड रोवर की वजह से घाटा झेल रही थी। सन 2008 के आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंची थी। उस समय रतन टाटा जी ने फोर्ड कंपनी के सामने उनकी लग्जरी कार जैगुआर और लैंड रोवर कंपनी को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसे बिल फोर्ड ने खुशी खुशी स्वीकार किया और बिल फोर्ड उसी तरह अपने साझेदारों के साथ टाटा समूह के ऑफिस पर पहुंचे, जैसे रतन टाटा बिल फोर्ड से मिलने उनके ऑफिस में गए थे। उसके बाद रतन टाटा जी ने फोर्ड कंपनी से जगुआर और लैंड रोवर कंपनी को $2.5 बिलियन में खरीदा। फिर उसके बाद बिल फोर्ड जी ने वही बात फिर से दोहराई जो उन्होंने पिछली मीटिंग में रतन टाटा जी से की थी, लेकिन इस बार बात थोड़ी सकारात्मक थी। बिल फोर्ड जी ने रतन टाटा जी से कहा कि आप हमारी इन दोनों कंपनियों को खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। दोस्तों, आज जैगुआर और लैंड रोवर टाटा कंपनी का हिस्सा है और मार्केट में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा जी अगर चाहते तो उसी पहली वाली मीटिंग में करारा जवाब देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि रतन टाटा जी अपने सफलता के नशे में चूर नहीं हुए थे। दोस्तों, यही वो गुण है जो सफल और कामयाब इंसान में होता कॉमन होता है। रतन टाटा जी ने जैगुआर और लैंड रोवर की तरह कई सारी कंपनियों को खरीदा। सन 2000 में टाटा ने कनाडा की टी बैग्स बनाने वाली टेटली कंपनी को खरीद लिया और उस कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी टी बैग्स बनाने वाली कंपनी बनाई गई। किसी भी इंडियन कंपनी की फॉरेन कंपनी को टेकओवर करने वाली यह सबसे बड़ी डील रही है। उसके बाद रतन टाटा जी ने सन 2004 में साउथ कोरिया की डेवू कमर्शियल व्हीकल को खरीदा, जिसका नाम बाद में टाटा डेवू कमर्शियल व्हीकल रखा गया। 2007 में टाटा ने कोरस कंपनी को खरीदा, जिसका नाम बाद में टाटा स्टील रख दिया। 2008 में स्कटर पर घूमने वाले आम लोगों का खुद का कार लेने का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा जी ने 1,00,000 रुपयों में मिलने वाली टाटा नैनो कार को लॉन्च किया। शुरुआत में इस कार को अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन बाद में इसे एक चीप कार ऐसी इसकी इमेज बन गई, जिससे टाटा नैनो कार फ्लॉप हो गई। आज टाटा ग्रुप की 100 से भी ज्यादा कंपनीज है, जो 150 से भी ज्यादा देशों में ऑपरेट करती है और जिसने 800,000 से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। देश के प्रति जिम्मेदारी और प्यार के लिए टाटा कंपनी अपने प्रॉफिट में से 66% हिस्सा अपने भारत देश को दान करती है। रतन टाटा को कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है, लेकिन साल 2000 में भारत के पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया और साल 2008 में भारत के ओबे पुरस्कार से नवाजा गया है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते ही होंगे को रतन टाटा जी ने कभी भी कोई शादी नहीं की हुई है, लेकिन क्या आपको इनके शादी ना करने की असली वजह पता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की, तो आप इस आर्टिकल के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अब मैं आपके साथ रतन टाटा की शादी ना करने की असली वजह आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो उन्होंने 12 फरवरी 2020 के दिन एक इंटरव्यू में बताया हुआ था। दोस्तों, रतन टाटा जी ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन उनके लाइफ का सबसे बड़ा रहस्य यही रहा है कि उन्होंने कभी भी शादी नहीं की और लोगों ने इसके पीछे की वजह जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन रतन टाटा जी ने इस बात को हमेशा अपने दिल में छिपाए रहे। लेकिन आखिरकार 12 फरवरी 2020 के दिन उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और इस राज से पर्दा हटा दिया। दरअसल रतन टाटा जी बॉम्बे नाम के एक फेसबुक पेज को इंटरव्यू दे रहे थे और उस इंटरव्यू के दौरान उनसे उनके लव लाइफ और शादी ना करने की असली वजह के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने अपने इस राज से पर्दा हटा दिया। तो अब जानते हैं कि जिंदगी भर रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की।
दोस्तों उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने लॉस एंजेलिस शहर में एक जॉब करना शुरू किया था। इस शहर में रहते हुए वह 2 साल तक नौकरी करते रहे और उसी दौरान वहां रहने वाली एक लड़की से उन्हें प्यार हो गया था। वह आज भी लॉस एंजेलिस में बिताए हुए उन 2 सालों को लाइफ के सबसे अच्छे पलों में से एक मानते हैं। उन दिनों में लॉस एंजेलिस का मौसम बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। उनके पास उनकी खुद की कार और एक ऐसी नौकरी थी जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी। इसके अलावा वो वहाँ पर एक ऐसी महिला के साथ थे जिसको वो बेइंतहा प्यार करते थे और वो महिला भी रतन टाटा से बहुत प्यार करती थी। वो बताते हैं कि वो उस समय शादी करने का मन बना चुके थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इनके इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दरअसल रतन टाटा जी ने जब शादी करने का मन बना लिया था, तभी उनके पास उनकी दादी की तबीयत खराब होने की खबर पहुंची। अब चूंकि उन्हें अपनी दादी से बहुत ज्यादा लगाव था और वो पिछले 7 सालों से उनसे नहीं मिले थे, इसीलिए वो भारत वापस जाकर अपनी दादी से मिलने का मन बना लिया। उन्होंने उस महिला को अपने साथ भारत जाने का भी न्योता दिया और कहा कि हम इंडिया जाकर शादी करेंगे। दोस्तों वह महिला उनके साथ जाने के लिए मान गई थी, लेकिन इनके घर वालों ने भारत जाने के लिए परमिशन नहीं दी थी। असल में ये साल 1962 की बात है जब इंडिया और चीन के बीच युद्ध चल रहा था और इस युद्ध के कारण उस महिला के घर वालों ने इंडिया जाने से मना कर दिया था। ऐसे में उस महिला ने रतन टाटा जी से वादा किया कि युद्ध खत्म होते ही उनके पास इंडिया चली आएगी और इसी वादे के भरोसे रतन टाटा जी भारत वापस आए। इंडिया आने के बाद उस अमेरिकी महिला का आने का इंतजार करने लगे। रतन टाटा जी को पूरा यकीन था कि वो उनके पास जरूर आएंगी, क्योंकि उन्होंने आने का जो वादा उनसे किया था। लेकिन यह इंतजार थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज्यादा लंबा होता गया और आखिरकार उन्हें ये खबर मिली कि उस महिला के माता पिता ने उसकी शादी किसी और से कर दी। ये खबर सुनते ही रतन टाटा जी को बहुत गहरा धक्का लगा और उनका दिल पूरी तरह से टूट गया। दरअसल रतन टाटा ने उस महिला से सच्चे मन से प्यार किया था और यह वादा भी किया था कि वो उसी महिला से शादी करेंगे, लेकिन उस महिला का इस तरह किसी और से शादी करना रतन टाटा जी के लिए जिंदगी भर के लिए शादी ना करना बन गया। दोस्तों इससे ये पता चलता है कि रतन टाटा जी अपने वादे और उसूलों के कितने ज्यादा पक्के हैं और यही चीज उनके कामयाब होने के सबसे बड़े कारणों में से एक है। दोस्तों आपको रतन टाटा की जीवनी और उनकी प्रेम कहानी के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको रतन टाटा की जीवनी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी रतन टाटा की जीवनी और उनकी प्रेम कहानी के बारे में जानने को मिले। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।